गई चिट्ठी भूल जाते हैं। हाथ में चंद्रशेखर खांडा और चौबीस भाई एक साथ जब युद्ध करते हैं उसी समय माँ आदिशक्ति दुर्गा जी प्रकट हो जाती है, पकड़ लेती है खांडे को। भोजराज जब विकराल रूप देखते हैं बगड़ावत, सामने राजा भी खड़े देखते हैं तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। छलने आई थी, विश्वास नहीं था कि बगड़ावत ऐसा कर सकता है। रानी जयमती ने अपना रूप बनाया है। जिस समय तुम मुझे लेकर के आ रहे थे कुछ दिया था वचन, याद है कि नहीं? उन्होंने कहा कि बिल्कुल याद है। तुमने कहा था कि चंद्रा शिखांडे का मैं प्रयोग नहीं करूंगा, चौबीस भाई एक साथ नहीं लड़ेंगे। आज क्या हो रहा है? चौबीस एक साथ, हाथ में चंद्रा शिखांडा। भुज बगड़ावत ने कहा कि फिर क्या करना? उन्होंने कहा कि या तो वचन को हारो या फिर जो मैं मांगू वो देवो। चौबीस फूल गिनती और वैसे चढ़ा देना प्रभु जी। भोज बगड़ावत ने कहा आज तक हम अपने वचन से पीछे हटे नहीं। मां तू तो आदि शक्ति दुर्गा है और तेरे को हमने वचन दे दिया है, आज भला कैसे हट सकते हैं? मांगो, क्या चाहती हूं मां? मां ने कहा देखो रे बगड़ावत, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए, शीश। क्या दे सकते हो? हंसते हंसते भोज बगड़ावत ने अपने 23 भाई की तरफ इशारा किया। उनमें से जो बड़ा भाई था उन्होंने मना कर दिया कि मैं शीश देने वाला नहीं हूँ। उन्होंने युद्ध भूमि को छोड़ा, सीधा अपने ससुराल में गए और 23 भाई ने हंसते हंसते अपने शीश उतार करके देवी के चरणों में रखे। भोज बगड़ावत महाराज की, सवाई भोज महाराज की, 23 शिष्य के पास। उधर देवी शीश की मुंडकी की माला पहन करके बैकुंठ धाम में जाती है, हंसती हुई कि मैंने अपना काम कर दिया, अच्छा ले लिया बगड़ावतों को। इधर जैसे ही शीश करते हैं बोली घोड़ी जो सवाई भोज सरकार की थी, आंखों में से आंसू खिर रहे हैं, हे मेरे लाल, हे मेरे अश्वार, जब तू मुझे छोड़ता था, जब तू मुझे संगारता था, जब तू मुझसे मेरी पीठ के ऊपर अश्वार होता था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर कोई भगवान बैठे हुए हैं। आज मुझे कौन संगारेगा? आज पाछे मेरे ऊपर कौन बैठेगा? रोती हुई, रुदन करती हुई, मन में विचार करती हुई कि मैं साधु गुजरी को क्या जवाब दूंगी, धीरे धीरे टप 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 युद्ध भूमि में जलमोट की तरफ आने लगी। और ये रणभूमि खारी नदी के किनारे गुजर घोट से 2 किलोमीटर जो उनकी जमीन लगती थी वहां पर हुआ। जा रही है, आंसू बहा रही है बोली घोड़ी जिनके ऊपर अश्वार होता था भोज बगड़ावत। अपने अपने दरवाजों पर खड़ी थी गुजरियां, कब आए कब आए। लेकिन जब जाती है बोली घोड़ी के ऊपर बगड़ावत दिखता नहीं है। साडू गुजरी समझ गई कि आज सब काम हार गई, छूट जाती है वहीं से।
प्रणाम करती है माते, तो आदिशक्ति का अस्वार है, आदिशक्ति का अवतार है। तू रोज मेरे भरतार को यार से बिठा करके ले जाती थी और बिठा करके हिलाती थी, आज वो भरतार कहाँ है, किस प्रकार साडू गुजरी, हाथ जोड़ करके जो है भोली घोड़ी से विनती करती है, भोली घोड़ी से पूछती है कि मेरा अस्वार। Thank you.
माता गुजरी ने कह रही ये लगा मंडीरी न छोड़ी मारी रण भारत के माई ओ माता रण भारत के माई ये लगा मंडीरी न छोड़ी मारी रण भारत के माई ये मैया रण भारत के माई खूब लड़े भारत के अंदर 24 भाई मैं क्या बताऊं वहां की दशा एक बीच में की गर्दन काट करके अपने